मुफस्सिल थाना इलाके के झरियागादी रेल लाइन के समीप एक घर में चोरों ने सेंधमारी कर करीब 2 लाख रुपए के जेवर समेत 10,000 रुपए नगद की चोरी कर ली। घटना की जानकारी गृहस्वामी उज्जवल झा और उनके बेटे पंकज झा ने मुफस्सिल थाना पुलिस को दी, लेकिन घटना के काफी देर बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस बाबत गृहस्वामी उज्जवल झा ने बताया कि घर में हुए चोरी का आवेदन भी थाना में दिया जा चुका है। घर में चोरी की घटना को छत के दरवाजे को तोड़कर अंजाम दिया गया। भुक्तभोगी गृहस्वामी के अनुसार रेल लाइन के समीप ही उनका घर और दुकान दोनों है। दुकान से जहां 8,000 रुपए नगद की चोरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ घर के 3 कमरे और 2 कमरे में रखे अलमीरा और ट्रंक बक्से में कीमती कपड़ों के साथ 2 लाख के जेवर की भी चोरी हो गई, जिसमें मंगलसूत्र, चैन, सोने की अंगूठी और पायल समेत कई जेवर शामिल हैं। घटना के अनुसार गृहस्वामी उज्जवल झा के बेटे पंकज गुरुवार की शाम दुकान और घर बंद कर शहर के करबला रोड स्थित अपने दूसरे घर में सोने चले गए थे। पूरा परिवार भी इसी घर में सोया हुआ था। शुक्रवार की सुबह पंकज जब दुकान खोलने के लिए अपने नए घर पहुंचे तो देखा कि दुकान और घर में चोरी हो गई है और 2 कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिसके बाद पंकज ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। घर में रात में हम लोग यहाँ थे नहीं, तबीयत खराब के कारण कल नहीं आ सके, जिसे रात में ऊपर से दरवाजा तोड़ के अंदर घुस के सब रूम का ताला तोड़ के अलमारी से सारा कपड़ा, जेवर और कुछ नगद पैसा दुकान का था, दुकान से सरफ, साबुन और रिफाइंड, सरसों तेल वगैरह सब ले गया सामने दरवाजा खोल करके, और ट्रेन से सारा कपड़ा बिखार के सब बिखार दिया। चोर घुसे कैसे घुसे? ऊपर छत पर से दरवाजा तोड़ करके घुसा है, छत का दरवाजा तोड़ के। जानकारी कब मिला कि चोरी हुआ? हमको 6:30 बजे जब लड़का मेरा दुकान खोलने आया तो देखा बाहर दरवाजा खुला हुआ है और सब ताला टूटा हुआ है। क्या नाम है बेटे का? पंकज कुमार झा। अच्छा, सुबह बेटे आए तब पता चला है? तब पता चला कि हम दरवाजा खुला हुआ है। तो आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग सब पुराना मकान में थे, तबीयत खराब के कारण कल नहीं आ सके यहाँ सोने के लिए। ये नया मकान बना है? ये नया मकान। क्या क्या हुआ चोरी? चोरी में जेवर गहना किया हुआ है, तेल, रिफाइंड, साबुन, दुकान से कुछ, दुकान का पैसा नगद, कैश 5,000 लगभग, और बाकी सब तो सामान बिखार दिया है। पुलिस को जानकारी दिए हैं। वो बोले आवेदन देने के बाद जाएगा, तो आवेदन दिए हुए हैं, अभी तक आया नहीं है।